कैसा लग रहा है बस लग रहा है ना गाइस, पीछे देखो कितना प्यारा वाटरफॉल है भाई। हमको तो अच्छा लग रहा है लेकिन आपको नहीं लगेगा जब आपको पता चलेगी ये वाली बात। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। सो बहुत सारे आर्टिकल एंड न्यूज निकल के आ रहा है कि सौरभ जोशी के घर में चोरी हो गया है और बताया जा रहा है कि चोर उनके घर से काफी एक्सपेंसिव चीजें चोरी करके ले गया है। बट जा रहा है जो चोर था वो एक ही था, जो चोर है वो घर के अंदर एंटर हुआ और खबरों के मुताबिक जाए तो इनके यहाँ एक दीवार है जो हाथियों ने तोड़ दी थी, उसके आर से वो जो चोर है वो एंटर हुआ है। परिजनों से जब हमने बात करी तो हमें उन्होंने बताया कि वो अंदर जो आप सीधे जाएंगे तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पहले जो चोर है उसने इसके तार काटे, उसके बाद इन्वर्टर को जाके बंद कर दिया जिससे कि घर के जो सारे सीसीटीवी कैमरे हैं वो बंद हो जाए और वो आराम से जो चोरी की घटना है उसको अंजाम दे सके। उसके बाद जो चोर था वो ऊपर गया, सौरभ जोशी के कमरे में गया और जो कमरे में सामान था वो उसने 3 घंटे में वो क्या क्या सामान लेके गया है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। पास में जो आप घर देख रहे हैं यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें वो चोर कैद हो गया था, हालांकि यहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा था वो चोर ने काट डाला था, जिसकी वायर चोर ने काट डाली थी, लेकिन साइड वाला जो घर है उसमें वो चोर कैद हो चुका है। और जब घर से वो बाहर जा रहा था तब उसके पास एक बैग था जिसके अंदर बहुत सामान था, वो बैग भी इनके ओर से बताया गया है वो बैग भी इन्हीं लोगों का था। देखा आप लोगों ने पर्सनल व्लॉगिंग का क्या रिजल्ट रहता है। अरे व्लॉगिंग करो यार, लेकिन ऐसी व्लॉगिंग मत करो कि घर की सारी चीज़ें दिखा दो और वहाँ पे आपका रास्ते भी दिखा दो, कहाँ से रास्ता किस कमरे में जा रहा है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे को तो बहुत दुख हुआ, लेकिन सौरभ जोशी भाई को पता है या नहीं पता है, ये प्लैंड है या प्री प्लैंड है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी है काफ़ी दुखद है। तो ये था मेरा एक छोटा सा वॉइस ओवर रिव्यू जिसमें आप देख रहे हैं वॉइस और वीडियो का कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। मैं बहुत दुखी हूँ लेकिन फिर भी देख रहा काफ़ी खुश हूँ, ठीक है। तो वॉइस ओवर रिव्यू है। तो 31 अक्टूबर के दिन था आपका नेशनल इंटीग्रिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो देखिए बच्चे कैसे जा रहे हैं। आज एग्जाम पता नहीं इतनी ज़्यादा है, स्कूल पता नहीं मैराथन हो रही है मैराथन हो रही है आप पता नहीं कौन सा स्कूल में रहा है, टीचर होंगे और टीचर आता हो स्कूल की स्टडी होती है। तो ये था एक छोटा सा ऑनेस्ट रिव्यू जब सौरभ जोशी भाई ने, जैसा आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में काफ़ी सुर्खियों में है, लेकिन उसके बावजूद भी सौरभ जोशी वापस घर में आके एक बार ये नहीं देख रहे हैं कि उनके पेरेंट्स की कैसी हालत है। ये देखिए चोर जा रहा, देखिए जब ये चोरों ने एंट्री ली थी तो देखिए इन्होंने जो है आपका वायरिंग पूरी कट कर दी थी, जिसकी वजह से ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू सौरभ जोशी ब्लॉग के बारे में। तो प्लीज़ सौरभ जोशी ब्रदर जहाँ भी हो तुरंत आ जाओ, क्योंकि आपके पेरेंट्स अकेले हैं, क्योंकि व्लॉगिंग तो होती रहेगी लाइफ टाइम, अगर आपने अपने पेरेंट्स का इस समय साथ नहीं दिया तो आपकी व्लॉगिंग का भी कोई फायदा नहीं। तो प्लीज़ जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, इट्स माई ऑनेस्ट रिक्वेस्ट। और प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और जल्दी मस्त और ट्रैवल ब्लॉग आने वाले हैं।